हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं आज की नई वीडियो में। तो गाइस, जो सेट देख रहे हैं मेरे हाथ में, पैनासोनिक एलुगा A3। तो गाइस, इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फ़ोन में जो है वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हो। ओके गाइस, तो गाइस, इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आने के बाद आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइस, जो है आप अपने फ़ोन में जो है वॉलपेपर कैसे चेंज कर सकते हैं, आपको यहाँ पर जो है सेटिंग पर जाना होगा। ओके, और सेटिंग पर जाने के बाद देखिए आपको क्या करना होगा, ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। ओके, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। ओके, डिस्प्ले पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको जो है वॉलपेपर आपको ऑप्शन दिख रहा हो, तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए आप। ओके, अगर देखिए आपको फ़ोटो वगैरह लगानी है तो आप जो है गैलरी में जाके, फ़ोटोज़ में जाके, या फिर जो है फाइल्स वगैरह में जाके जो आप लगा सकते हो। और आपको वॉलपेपर लगाना है तो आपको जाइएगा वॉलपेपर में, तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा गाइस जो है आपको जो भी लगाना है तो यहाँ से जो आप लगा सकते हो। ओके, जैसे कि मैं ये वाला लगा देता हूँ यहाँ से चेंज करके, ये देखिए ये ब्लू वाला। उसके बाद जो है यहाँ से सेट वॉलपेपर पे कर देता हूँ क्लिक। तो जो है आप यहाँ से होम स्क्रीन या जो है लॉक स्क्रीन पर करना चाहते हो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन, तो जो है मैं यहाँ से जो है लॉक होम स्क्रीन पर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ से बैक जाता हूँ, ये देखिए ये जो है मेरे होम स्क्रीन पर लग चुका है वॉलपेपर। ऐसे ही आप अपने फ़ोन में जो है पैनासोनिक एलुगा A3 में लगा सकते हो वॉलपेपर। ओके गाइस, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। आज की वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।